नमस्कार, 150 गांव 150 खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा और बुलेटिन में सबसे पहले बात झालावाड़ की करेंगे। झालावाड़ जिले के खानपुर ग्राम पंचायत में चपलाड़ा गांव में लाखों रुपए से निर्मित सीसी रोड का उद्घाटन हुआ। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की महासचिव मीनाक्षी चंद्रावत ने सीसी रोड का उद्घाटन किया। ये रोड कृषि विपणन बोर्ड ने बनवाई है। झालावाड़ जिले के कमरपुरा ग्राम पंचायत में स्वच्छता मिशन के तहत कुओं और बावड़ियों की सफाई हुई। सफाई अभियान के दौरान सरपंच और ग्रामीणों ने मिलकर साफ सफाई की और गांव को साफ रखने का संकल्प लिया। झालावाड़ जिले के मिश्रोली ग्राम पंचायत के अरनिया गांव में गंदगी से लोग परेशान, यहां चारों ओर गंदगी के ढेर। गांव में गंदगी और कीचड़ से गांव के लोगों को बीमारियों का डर सता रहा है, साथ ही लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानी। लोगों ने सफाई को लेकर कई बार पंचायत से शिकायत की, लेकिन सफाई को लेकर कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं। झालावाड़ जिले के बकानी पंचायत समिति में वन विभाग की टीम ने महेशपुरा बेट पर अवैध पत्थर खनन को लेकर कार्रवाई की। टीम ने दो ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया। रेपला बॉर्डी पर खनन माफिया चारागाह जमीन समेत वन विभाग की जमीन पर अवैध खनन किया जा रहा है। वन विभाग माफियाओं के खिलाफ झुटपुट कार्रवाई कर अपनी जिम्मेदारी तो निभाता आ रहा है, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं होने से खनन माफिया दिन दहाड़े अवैध खनन कर रहे हैं। झालावाड़ जिले के बकानी पंचायत समिति में छापी परियोजना की पाइपलाइन के लिए खादी सीसी रोड मरम्मत में घटिया निर्माण की पोल खुलकर सामने आ गई है। 6 महीने पहले कस्बे में छापी परियोजना पाइपलाइन का काम शुरू हुआ था। मरम्मत के समय घटिया सामग्री निर्माण की शिकायत भी मिली थी। शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब घटिया सामग्री का उपयोग रोड की हालत और सड़क खुद बयां कर रहा है। इसको लेकर लोगों में रोष। झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में पुलिस ने हथकड़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब बनाने के काम में आने वाली अवैध भट्टियां नष्ट की। हथकर शराब को लेकर पुलिस ने एसपी के निर्देश पर कार्रवाई की। यह कार्रवाई पिपलिया खुर्द माधवी बांध पर की गई। झालावाड़ जिले के पिड़ावा पंचायत समिति के लोगों को अब पंचायत मुख्यालय आने में आसानी होगी। यहां तक आने वाली सड़क बदहाल सड़क का काम शुरू हो चुका है। इस सड़क के बीच आने वाली सभी नदी नालों की पुलियाओं का भी काम फिर से। लंबे समय से इस टूटी सड़क के मरम्मत का इंतजार हो रहा था, अब 2017 तक इस रोड का काम पूरा होगा। बारां जिले के कोयला के मुख्य बाजार में बने शौचालय में गंदगी से लोग परेशान, यहां असामाजिक तत्व शौचालय में शराब की खाली बोतल्स डालते हैं। वहीं बदबू से आसपास के दुकानदार परेशान, कई बार पंचायत से सफाई की मांग करने के बाद भी पंचायत ध्यान नहीं दे रहा। बारां जिले के सरहोद ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 10वीं सदी का बना प्राचीन मंदिर संरक्षण के लिए इंतजार कर रहा है। वहीं गांव के बीच स्थित मंदिर और तालाब के किनारे पूरा संपदा के सामान बिखरे पड़े हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग अनदेखी कर रहा है। गांव के लोग प्राचीन मंदिर के संरक्षण की मांग कर रहे हैं। आए दिन मंदिर से मूर्तियां चोरी हो रही है। बारां जिले के खेलवाड़ा में कॉलेज परिसर से अतिक्रमण हटाने की मांग के बाद एवीवीपी कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी से मारपीट की। मारपीट को लेकर नाराज एवीवीपी छात्रों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा और थाना प्रभारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की।
बारा जिले के बोरदा चौक की गांव की मुख्य सड़क पर गंदगी और कीचड़ से लोग परेशान। कुजेड़ समेत कई गांव के लोगों का इस सड़क से आना जाना होता है। गंदगी से वाहन चालकों के साथ राहगीर भी बेहद परेशान। गंदगी को लेकर पंचायत प्रशासन को कई बार शिकायत की गई, लेकिन पंचायत का इस ओर कोई ध्यान नहीं। बारा जिले के बहुत गांव में हनुमान मंदिर पर इन दिनों भागवत कथा का आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने के लिए कथास्थल पर पहुंच रहे हैं। भक्ति संगीत में भागवत कथा को सुनकर श्रद्धालु नाचकर कथा का आनंद ले रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर कृषि उपज मंडी समिति की बैठक मंडी समिति अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में 7 प्रस्तावों पर चर्चा, इनमें से 5 प्रस्ताव पारित कर आगे की कार्रवाई के लिए भिजवाए गए। मंडी समिति का दर्जा बढ़ाने के प्रस्ताव पर सभी ने सहमति दी। यहां मंडी यार्ड में प्याऊ और यूरियल बनाने के प्रस्ताव पारित किए गए। किसान कलेवा योजना शुरू करने पर भी विचार। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर में बिजली गुल रहने से लोग भारी परेशान। रजियासर में 132 केवी लाइन में फॉल्ट आने से बिजली गुल रही। इस फॉल्ट से सभी ग्रामीण इलाकों में बिजली गुल। श्रीगंगानगर जिले के घरसाना पंचायत समिति के देवली में विधायक शिमला बावड़ी ने मिसिंग लिंक योजना के तहत रोड निर्माण का काम का शिलान्यास किया। इस मौके पर पंचायत देशली के स्थानीय सरपंच, पंचायत के सभी वार्ड पंच समेत ग्रामीण भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में विधायक ने ग्रामीणों द्वारा किए गए वादे पर सभी वादे पूरे करने का आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर में सिंचाई के पानी की मांग को लेकर किसानों ने माकपा के नेतृत्व में डावला हेड पर महापड़ाव किया। किसानों ने सिंचाई के पानी की मांग को लेकर रोष जाहिर किया। सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों से वार्ता की। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने वार्ता के बाद नहरों में सिंचाई चालू करवा दिया। इसके बाद किसानों ने महापड़ाव खत्म कर दिया। श्रीगंगानगर जिले के सादुल शहर पंचायत समिति के गांव तख्त हजारा में इन दिनों खेतों में सरसों की अच्छी फसल खड़ी है। अभी तक फसल सही पक रही है, लेकिन कोहरा शुरू नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ने लगी। बूंदी जिले के ग्राम पंचायत तालेड़ा में एक 16 साल की छात्रा से अध्यापक के दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। 5-6 महीने पहले संस्था प्रधान रमेश नायक बहला फुसलाकर छात्रा को जंगल ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों ने तालेड़ा थाने में मामला दर्ज करवा दिया है और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। बूंदी जिले के हिंदोली ग्राम पंचायत में पिछले दिनों चोरियों को लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को इस मामले में 3 दिन में वारदात को सामने लाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। चोरियों का जल्द खुलासा नहीं होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। बूंदी जिले की नेगढ़ ग्राम पंचायत के सचिव ने महिला सरपंच के पति और उसके पुत्र के खिलाफ बसोली थाने में मामला दर्ज करवाया। सचिव ने बैठक के दौरान राजकार्य में बाधा और मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया। बसौली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं महिला सरपंच ने भी सचिव के खिलाफ अभद्रता की रिपोर्ट दी। बूंदी जिले के ग्राम पंचायत देई में बाइक सवार युवक चाइनीज मांझी की चपेट में आ गया। युवक के आंख और नाक पर चोट आई। आर्यन गौशाला के पास से गुजर रहा था, अचानक युवक मांझे से उलझ गया। युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। बूंदी जिले के रूणीजा गांव में जहरीले कीड़े के काटने पर महिला की मौत हो गई। महिला खेत पर काम कर रही थी, इसी दौरान महिला को जहरीले कीड़े ने काट लिया।
महिला को जिला अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डबलाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। डूंगरपुर जिले के रामा गांव से गुजर रही सोम कमला आंबा बांध की माइनर नहर क्षतिग्रस्त हो गई है। इस नहर के क्षतिग्रस्त होने से पानी खेतों में पहुंच गया। खेतों में खड़ी फसल चौपट हो गई। किसानों ने कई बार आसपास पहुंचकर अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया था लेकिन समाधान नहीं हुआ। किसान अब खुद ही माइनर नहर की मरम्मत का काम करवा रहे हैं और पानी से फसल चौपट होने को लेकर किसानों ने मुआवजे की मांग की। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा पंचायत समिति के सभा भवन में खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा बैठक। विधायक और प्रधान की मौजूदगी में बैठक में डीलर ने अपनी समस्याएं बताई। विधायक ने अधिकारियों से चर्चा कर समस्या को निपटाने का आश्वासन दिया। डूंगरपुर जिले के फलौज गांव में संचालित दृष्टिहीन विद्यालय के बच्चों को अब शुद्ध पानी मिलेगा। बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक के स्थापना दिवस के मौके पर बैंक कर्मियों ने स्कूल में वाटर प्यूरिफायर सिस्टम भेंट किया। इस मौके पर समारोह में सरपंच समेत ग्रामीण भी मौजूद रहे। बैंक के अध्यक्ष ने बताया कि स्थापना दिवस के मौके पर समाज सेवा के कई काम किए जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले के खेरवाड़ा गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन। रात्रि चौपाल में डूंगरपुर विधायक देवेंद्र कटारा समेत एसपी, कलेक्टर और प्रधान मौजूद। चौपाल में ग्रामीणों ने खुलकर अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान कलेक्टर ने नरेगा योजना के तहत हाथों हाथ 1 करोड़ के काम स्वीकृत किए। चौपाल में बिजली, पेंशन और सड़कों की दुर्दशा संबंधित शिकायतों पर जांच के आदेश दिए गए। एसपी ने ग्रामीणों को शराब पीकर वाहन नहीं चलाने और अपराध की सूचना देने की अपील की। डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड के अधिकारी सुबह आसपास के गांव में पहुंचे और खुले में शौच जाने वाले लोगों से समझाइश की। स्वच्छ भारत अभियान के तहत अधिकारियों ने घर में शौचालय बनाने और उपयोग करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। अधिकारियों ने लालपुरा, राती, डूंगरी और नई बस्ती गांव में पहुंचकर लोगों से स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग करने की अपील की। नागौर जिले के रियाबड़ी क्षेत्र के नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपभोक्ताओं को एटीएम कार्ड की सुविधा मिलेगी। इसके लिए एटीएम योजना के शुभारंभ के साथ ही अब इसका लाभ रियाबड़ी क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा। आने वाले दिनों में क्षेत्र के बड़े गांव में एटीएम लगाए जाएंगे। पैसे निकासी के लिए कोऑपरेटिव बैंक के उपभोक्ताओं को गांव में ही सुविधा मिलेगी। नागौर जिले के छापरी खुर्द ग्राम पंचायत कार्यालय परिसर में सरपंच रामेश्वर पूनिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव धूप सिंह पूनिया समेत स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए सरपंच ने गांव के विकास को लेकर हर संभव प्रयास करने की बात कही। नागौर जिले के मिर्ता रोड में रेल बस का एक पहिया अचानक पटरी से उतरने से मिर्ता रोड से मिर्ता सिटी के बीच का रेल आवागमन बाधित। रेलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर पहिये को बड़ी मशक्कत के बाद फिर लगाया। रेल बस वॉशिंग रूम से स्टेशन पर आ रही थी तब अचानक रेल बस का एक पहिया पटरी से उतर गया। नागौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में दाधीच महासभा के चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के लिए एसएस आस्तोपा दौरा कर रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के घाटोल में बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का एटीएम पिछले कई दिनों से बंद जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी। इस बारे में बैंक के अधिकारियों को कई बार जानकारी दी गई लेकिन अब तक बैंक ने इस एटीएम को चालू नहीं करवाया। बांसवाड़ा जिले के घाटोल के नया बस स्टैंड क्षेत्र में लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है। पानी में कीड़े भी निकले। गंदे पानी को लेकर लोगों में बीमारी होने का डर। लोगों को पीने के पानी के लिए दूर जाना पड़ता है।
जलदाय विभाग को सूचना देने के बाद पानी की जांच करवाने की बात कही जा रही है, लेकिन गंदे पानी के कारण और इसका समाधान नहीं हो रहा। बांसवाड़ा जिले के सेमलिया चिड़ियावासा गांव मार्ग सहित पिछले कई साल से ये इलाका पूरी तरह क्षतिग्रस्त। इस सड़क से डामर पूरी तरह से उखड़ गया है और जगह जगह पर गड्ढे हैं जिससे आए दिन हादसे होते हैं। टूटी सड़क को बनाने की मांग को लेकर कई बार सरपंच और अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं। जयपुर जिले के कानोता और बस्ती में मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है। जेडीए की जमीन समतल करने के लिए जेडीए ने ठेका दिया था, लेकिन ठेकेदार ने मिट्टी बेचना शुरू कर दिया। हाईकोर्ट ने नदियों और नालों से मिट्टी हटाने और किसी तरह के नुकसान पर रोक लगा रखी है, लेकिन ठेकेदार रोजाना मिट्टी बेच रहे हैं। जयपुर जिले के मानगढ़ खोखावाला में गंदे पानी से लोग परेशान, लोग सरपंच को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। इधर पंचायत प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, गंदे पानी को लेकर वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वालों को भी काफी परेशानी। जयपुर के हिंगोनिया गौशाला में बीमार गायों को बचाने के लिए पशु चिकित्सक कड़ी मेहनत के साथ गौशाला में लगे हुए हैं। लगातार रोजाना करीब 2 गायों का ऑपरेशन हो रहा है। बता दें कि गायों के पेट से दर्जनों लोहे के ढक्कन, सिक्के और पॉलिथीन निकल रहे हैं और एक गाय के पेट से करीब 200 से 300 ग्राम प्लास्टिक निकली। जयपुर जिले के ग्राम पंचायत बनेठी के अटल सेवा केंद्र में ग्रामीणों को भामाशाह कार्ड वितरण समेत पेंशन के लिए फॉर्म, एटीएम कार्ड का वितरण। बनेठी समेत आसपास के लोगों को 600 भामाशाह कार्ड वितरित किए गए। ग्रामीणों ने 700 पेंशन फॉर्म भरे, 383 एटीएम कार्ड बटे। जयपुर जिले के राय करणपुरा स्थित ठाकुर जी मंदिर में रामायण पाठ का आयोजन कर हवन के बाद पौषबड़ा का भोग लगाया गया। पौषबड़ा में ग्रामीणों ने पौषबड़ा प्रसादी ली, मंदिर पुजारी समेत गांव के लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। कोटा जिले के सुल्तानपुर में गोपाल गौशाला समिति के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा शुरू, विजय हनुमान जी मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कोटा जिले के बुद्धाजीत में कार चलाना सीख रहे युवक के लिए कार चलाना भारी पड़ गया, युवक बिजली के पोल से टकरा गया, अचानक बाइक सामने आने से स्पीड तेज हो गई और हादसा हुआ। कोटा जिले के बोरीना ग्राम पंचायत सरपंच पर फर्जीवाड़े से चुनाव लड़ने का मामला फिर गरमाने लगा है। ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पहले भी पुलिस में शिकायत के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, इसके विरोध में अब ग्रामीण लामबंद। कोटा जिले के इटावा में जलदाय विभाग की लापरवाही कभी भी लोगों पर भारी पड़ सकती है। यहां बरसों पुरानी पानी की लाइन नालों के बीच से निकल रही है। पुरानी पाइपलाइन में लीकेज होने के साथ ही नाले का गंदा पानी भी नलों में आने का अंदेशा। जलदाय विभाग अपनी जिम्मेदारी से बचता दिख रहा है, लेकिन ये पाइपलाइन कभी भी लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बन सकती है। कोटा जिले के दिगोद में खेल प्रतिभाओं को आगे लाने की पहल, तहसील क्षेत्र के 80 गांव के खिलाड़ियों को क्रिकेट किट बांटे गए। बीजेपी पदाधिकारियों ने बैठक आयोजित कर क्रिकेट किट वितरण कार्यक्रम की तैयारियों पर विचार विमर्श किया, विधायक हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। करौली जिले के मासलपुर तहसील के गांव में अधिकांश हैंडपंप खराब है, हैंडपंप की मरम्मत काम नहीं किए जाने से ग्रामीण बेहद परेशान। ग्रामीणों ने सार्वजनिक स्थानों पर लगे हैंडपंप की सूचना विभागीय अधिकारियों को देने पर भी हैंडपंप को सही नहीं करवाया गया, जिससे ग्रामीणों में रोष। करौली के मासलपुर अटल सेवा केंद्र में 3 दिवसीय शिविर की शुरुआत, शिविर में आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। शिविर में ग्रामीणों की उपस्थिति कम रही, लेकिन इस दौरान पटवारी सचिव और ई मित्र संचालक मौजूद रहे। करौली जिले के हिंडौन में सांसद मनोज राजौरिया ने दौरा कर गौशाला के हालात जाने और चारदीवारी के लिए मदद की घोषणा की।
गौशाला की बाउंड्री के लिए लोगों ने सांसद से 25 लाख रुपए की मांग की। सांसद ने गौसेवकों को गौसेवा के मदद का भरोसा दिया। करौली जिले के गुढ़ा चंद्र जी की घट वासिनी देवी मंदिर पर जिला स्तरीय सर्वजातीय बालिका प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। समारोह में जिले की 204 बालिकाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान सांसद मनोज राजौरिया, बीजेपी जिलाध्यक्ष ने बालिकाओं को प्रतीक चिन्ह दिया। जैन समाज के संस्थान कस्तूरबा धर्मार्थ ट्रस्ट ने गरीब परिवारों को ऊनी कंबल वितरित किए। इस कार्यक्रम में थानाधिकारी समेत जैन समाज के लोग मौजूद थे। उदयपुर जिले के सराड़ा उपखंड के जय संबंध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्राथमिक शिक्षा वर्ग के स्वयंसेवकों ने राष्ट्रीय भक्ति के जज्बे के साथ कदम मिलाते हुए पथ संचलन किया। स्वयंसेवकों ने वीरपुरा स्थित जन जन की आस्था के केंद्र लोक देवता गातौड़ की मंदिर परिसर में साफ सफाई की। स्वयंसेवकों को मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों से भी स्वच्छता रखने की अपील की गई। पथ संचलन के दौरान ग्रामीणों ने स्वयंसेवकों का स्वागत किया। उदयपुर जिले के सराड़ा में पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ ब्लॉक सराड़ा और सेमारी के कार्यकारिणी ने बीईओ को शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। बीईओ ने अपनी समस्याओं को नोडल प्रभारी के भिजवाने और व्यक्तिगत समस्याओं के लिए कार्यालय समय में मिलने को कहा। उदयपुर जिले की सेमारी तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बड़ावली में प्रधानाचार्य के निर्देश पर सर्दी की छुट्टियों में बोर्ड के विद्यार्थियों को अतिरिक्त पढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन क्विज के माध्यम से छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। राज्य सरकार के इस प्रयास से दूरदराज के छात्रों को फायदा। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा में कर्मचारी संघ की जिला कार्यकारिणी का गठन। स्थानीय राम मंदिर में लवाना कर्मचारी संघ जिला कार्यकारिणी का गठन। रणछोड़ लवाना की उपस्थिति में। अलवर जिले के राजगढ़ ग्राम पंचायत में सरकारी अस्पताल के सामने 149वां निःशुल्क मासिक राशन किट वितरित किया गया। सीएससी प्रभारी ने गरीब असहाय महिलाओं को राशन किट दिया। इस दौरान समिति के गणमान्य लोग मौजूद थे। अलवर जिले के सौखर गांव में सरकारी ट्यूबवेल से खेत में पानी देने के लिए लगी पाइपलाइन का विरोध जताते हुए ग्रामीणों ने रास्ते को जाम कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और जाम को खुलवाया। मामले में ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को सूचना दी, जिस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए जाम खुलवाया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। अलवर जिले के राजपुर बड़ा ग्राम पंचायत के सरिस्का अभयारण्य से अवैध कटाई जोरों पर राजगढ़ सरपंच ने करीब 2 दर्जन महिलाओं को लकड़ियां लाते पकड़ा। सरिस्का अधिकारियों को जानकारी देने के बाद भी विभाग उदासीन है। रोजाना सरिस्का में सैकड़ों क्विंटल लकड़ियां काटी जा रही हैं। अलवर के चिकानी ग्राम पंचायत के पास अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर हरियाणा रोडवेज और ट्रक में भिड़ंत। इस हादसे में 24 से ज्यादा सवारियां घायल, वहीं घायलों को इलाज के लिए अलवर भेजा गया। कोहरे के कारण भिवाड़ी सिकंदरा हाईवे पर तूड़ी से भरा एक बड़ा ट्रक हरियाणा रोडवेज की बस से टकरा गया। अजमेर जिले के दिसांगन में मंगलियावास रोड पर मुक्तिधाम विकास परिषद संस्थान को एक भामाशाह ने शव सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रिज दिया। अजमेर जिले के नसीराबाद की 10 ग्राम पंचायतों में 22 जनवरी को चुनाव। इन 10 ग्राम पंचायत में एक जयपुर जिले के सांभरलेक की मुंडली रणजीतपुरा। अजमेर जिले की पंचायत समिति पिसंगन की 3 पंचायत सबीजी, दोराई और सोमलपुर। मतदान 22 जनवरी को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। अजमेर की केकड़ी ग्राम पंचायत रामपाली के प्रतापपुरा गांव में ठंड के मौसम में भी पानी को लेकर लोग परेशान। शुद्ध पानी के लिए लाखों रुपए खर्च कर पाइपलाइन डलवाकर पानी की टंकी बनवाई गई, लेकिन टंकी सिर्फ टोपी। पानी के अभाव में ग्रामीण दर दर भटक रहे हैं। गरीब तबके के लोगों को 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। अजमेर जिले के नसीराबाद में दिगंबर जैन समाज के प्राचीन काला बाबा पार्श्वनाथ मंदिर में जप तप कल्याण महोत्सव का आयोजन। धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन अजमेर के सुशील गदिया के सानिध्य में हुआ। इस पावन मौके पर सुबह से ही जैन समाज के श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। चंद्र प्रभु स्वामी और पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की विशेष पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम के तहत संगीत में भजन। अजमेर जिले के बादनवाड़ा में NH79 पर बना टोल बूथ इन दिनों हादसों का सबब। 2 साल से बंद टोल बूथ जर्जर हालत में। रात में गुजरने वाले कई वाहन यहां दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। कई बार प्रशासन को शिकायत की गई, लेकिन शिकायत के बाद भी प्रशासन ने आज तक सुनवाई नहीं की। अजमेर के नसीराबाद के पास दांता जाटिया बलवंता गांव का पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर ने दौरा किया।
अख्तर ने गांव का दौरा करने के बाद खुली चौपाल में सरकार पर निशाना साधा। नसीम अख्तर ने सरकार को चेतावनी दी कि बलावता के लोगों को जल्द ही बिसलपुर परियोजना से पानी दिया जाए, नहीं तो आंदोलन होगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।